बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो रेडी शेडी होके किस लिए, तो आप सभी ने नाइट सेलिब्रेशन तो देख ही लिया है और ये हो रहा है फिर से नाइट सेलिब्रेशन, क्योंकि डे से पूरा दिन हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे हम, क्योंकि इसी गेटअप में आप सभी ने एक स्पेशल वीडियो तो देखी ही होगी। और झाजी आए हैं यहाँ पे, झाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो पहले तो आप सभी झाजी के लिए वेल विशेस दीजिए कि ये जल्दी से ही ठीक हो जाए। थोड़ी सी वीकनेस है, रिकवर कर चुके हैं। और झाजी पहले हेलो बोल दो सभी को हाँ सभी को हेलो। तो यहाँ पे ये देखिए पूरी महिला मोर्चा शांत बैठी है। कैसे ऐसे कैसे हो गया? सबके हाथ में फोन है, सब फोन में लगे हुए हैं। यही एक उपाय है, मतलब यही एक है कि इन्हें शांत किया जा सकता है। और हमने अभी रील भी डाला है इंस्टा पे, तो देखिए रील्स और वीडियोस काफी सारी बनाई हैं, तो वो जरूर चेकआउट करें आप सभी। और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, अभी बना लेंगे, काफी सारी नहीं बनाई है। तो मम्मी का बर्थडे है, पहले तो मम्मी को विश कर दो आप सभी। तो मम्मी को विश सभी आप सभी करिए कमेंट सेक्शन में। और मम्मी कितने साल की हुई है ये मम्मी बताएंगी, एंड में बताएंगी। आप सभी गेस करो मम्मी कितने साल की हो गई होंगी। तो एंड में बताएंगी और बर्थडे सेलिब्रेशन पूरा दिखाएंगे, बने रहे एंड तक। लाइक शेयर एंड कमेंट इज कंपलसरी, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी करके चले जाएं, और अगर कर चुके हैं तो उसे दोबारा ना प्रेस करें, उसे ग्रे कलर का ही रहने दें। उस रेड कलर के बटन को ठोक के ग्रे कर दें बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। यहाँ देखिए झाजी को, देखिए झाजी क्या कर रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या कर रहे हैं। क्या ट्विटर? ओके, तो अपनी ट्विटर हैंडल बता दो। ट्विटर हैंडल है सेम ही है हमने का मेरा, I am नीरज कुमार झा। यस, तो आप ट्विटर पे भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं ना झाजी। ठीक है, और दिखाती हूँ मैं क्या चल रहा है यहाँ। नानी अपना फ़ोन में लगी हुई है, नानी एकदम फ़ोन में लगी रहती हैं बिल्कुल। और यहाँ देखिए कार्यक्रम पूड़ी का चल रहा है, मम्मी प्रिया दीदी और मामी लगी हुई हैं पूड़ी मेकिंग में, है ना? मम्मी चलाएंगे। ओके, मम्मी आप एक दिन क्या हुआ है, ये खाना खिलाते खिलाते इनका सर ही घूम गया, चक्कर आने लगे थे उस दिन। आप बैठ जाओ, मैं खिलाती हूँ सबको, देर के आ जाऊँगी, आप बैठ जाओ। और यहाँ देखते हैं प्रिया दीदी को पूरी छाननी आती है या नहीं आती है। आती है, सारी फुला फुला के छान रही है, देखो अच्छे से। और हमारी मामी एक्सपर्ट तो है ही बेलने में, इन्होंने पूरी छानी और इतनी बेल रही है। हाँ, इन्होंने कहा 10 मिनट बस मैं बेल के रख दूंगी। हाँ, बेल भी रहती है। बोलो बोलो। और यहाँ पे आराम हो रहा है, खा पी के एकदम आराम किया जा रहा है। मम्मी हम कहे जी जैन टी शर्ट गोलू पहनने से उन पापा जी के दौरी होता, झाजी उन्हें पहनने छते ठीक है। अब मैं तो किसी में हुई नहीं, ऑरेंज एंड पिंक दीदी से मैच कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा थोड़ा नानी, आप नानी मरून है क्या? आगे प्रिया दीदी हाथ रखो। हाँ, इधर आ जाओ बस खड़े रहना, ऐसे मायमा दे। हाँ, फ्रंट से। अच्छा, तीनों की लेती हूं, बड़ी अच्छी आ रही। भाई पास आ जा, भीम सेन की तरह बैठ जाता है। और थोड़ा पैर जॉइंट करो छोटे मामा जी, पैर जॉइंट कर लो। हाँ, जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मम्मी। थोड़ा फ्रेम में आओ, थोड़ा
जाओ, सेम में नहीं आए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही रहिए। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर चम्मच नहीं है ना बेटा, केक का पेट भरने के लिए चीज तो नहीं होती। नहीं ये हटा लो, केक का हो गया पोस्टमार्टम डन, आप सब को मिल जाएगा। पापा के हाल है, दोनों कन्या के धो दे बुआ के यहाँ। सभी जा चुके हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन ओवर हो चुका है, हम भी चेंज वेंज करके अपने ओरिजिनल गेटअप में आ चुके हैं। तो आप सभी को कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा बर्थडे सेलिब्रेशन, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इन्जॉय किया हो तो ज़रूर लाइक कर दें इस वीडियो को, और नहीं भी किया हो इन्जॉय और अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट करके बताएं क्या क्या अच्छा नहीं लगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ मीनाक्षी ब्लॉग्स। और यहाँ देखो मैं दो दिख रही हूँ, और हमारा डोलचा भी दिखेगा अभी। ये तो हम थोड़ा धीरे धीरे बात इसलिए कर रहे हैं कि हम दोनों ने क्या किया था, वो इवन वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम, क्योंकि मम्मी जब खाना ही बना रही थी तभी भागते हुए गए थे हम, है ना। भागते हुए क्या, स्कूटी ली और जल्दी से गए कि मम्मी को पता भी ना चले, और लेके आए हम उस टाइम पे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, केक अवेलेबल नहीं था तो पेस्ट्रीज ही लाना पड़ा, कोई नहीं, लेकिन चार पेस्ट्री लेके आए जो मॉम को बहुत अच्छी लगती है। मॉम को वैसे आइसक्रीम में बटर स्कॉच अच्छा लगता है और पेस्ट्रीज में चॉकलेट। तो मम्मी का है बर्थडे, अभी टाइम हो रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं, 11:57। वो एज़ यूजुअल अपने फ़ोन में लगी हुई हैं, बेड पे लेटी हुई हैं, रील्स चला रही हैं, किसी की स्टोरी भी देख रही थी, अभी बहुत इमोशनल था तो हम भी देख रहे थे, बड़ा रोना सा आ गया। तो ये काम हम कर लेते हैं, हम अभी उठ के ऐसे ही आए हैं कि मम्मी दूध लेके आते हैं रात को हम तीनों। हाँ नहीं नहीं आएगा, बड़ा वाला ले, सेम प्लेट बड़ा वाला पीछे होगा। हाँ तो सेम एस डेली रूटीन यही होता है कि हम फ़ोन में लगे रहते हैं, मैं और मम्मी, इस टाइम पे गोलू पढ़ रहा होता है और मैं आती हूँ दूध ले जाती हूँ, या फिर गोलू आता है दूध लेके आता है, है ना, तीनों के लिए। तो अभी हम यही मम्मी को बोल के आए हैं कि मम्मी हम ना दूध लेके आते हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मम्मी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हम हाँ पेस्ट्रीज लेके आ गए हैं, तो इसे ना पहले मैं निकाल लेती हूँ। और सोच बोलू अभी इसे गिरा देती तो तू मुझे छोड़ पाए। फिर हम इस टाइम पे ऐसे ऐसे हरकतें भी कर दूंगे, तेल लगा दिया हमने, ऐसा केक टाइम कितना लगा है, सबका फोन भी आएगा टाइम होने वाले, जल्दी चल 15 मिनट। ठीक है ठीक, केक में इधर उधर लगा दिया मैं, लगा हैप्पी बर्थडे, लगा हैप्पी बर्थडे और कैंडल्स, मैंने देखी थी बर्थडे कैंडल्स। एक लगा दो जल्दी से, सिर्फ एक? हाँ एक ही काफी, दो लगा दो, नहीं नहीं एक, चल ठीक है जल्दी जला। फैन बंद करना पड़ेगा। हाँ बंद कर, जल्दी से बंद कर, सॉरी पैदा तो मिले, नहीं 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 आजा ठीक, ऐसे काटेंगे मम्मी। आ गया सबका फोन, आ गया, ये लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग दूध लाने गए थे। मैं कह रही हूँ इतनी देर लगा रहे हैं, कर क्या रहे हैं, तो ये चल रही थी प्लानिंग, ये कब हुआ, चाची की कॉल कटोगे? हाँ ओके।